खबर 24 न्यूज, सच वही जो दिखेगा। आइसोलेशन वार्ड में भर्ती एक मरीज में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। बता दें कि जिस मरीज में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है वो कडरमा के मरकच्चू प्रखंड की सीमा पे स्थित ग्रीडी जिला के जहाना डी गांव में रहने वाला है। हाल ही में वो मुंबई से लौटा था। 4 अप्रैल को उसने कोरोना के लक्षण दिखाई देने पे परिजन मरकच्चू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लाए थे। डॉक्टरों ने कोरोना से संबंधित लक्षण देखते ही उसे तत्काल सदर अस्पताल भेज दिया, जहाँ 4 अप्रैल से ही वह सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है। बीते दिन उसका सैंपल लेकर जांच के लिए रिम्स भेजा गया था। हमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो वो मरीज कहाँ का है और उसके लिए क्या तैयारी? मरीज है गिरिडीह जिला। हम सार बता रहा है कि हम बॉम्बे से आए, बॉम्बे से उस सटिया होते हुए गिरिडीह गया। गिरिडीह जिला में रात मंगवार उसके घर पड़ता। रात मंगवार में जब तबियत खराब हुआ तो मरकच्चू आके इलाज करा। मरकच्चू में हम लोग को बोला गया कि एक मरीज से गिर है, तो हम लोग उसको मंगा लिया आइसोलेशन में। सभी प्रकार की तैयारियां हम लोगों की पूरी कर ली है। आज बेसिकली हम लोग इन केस अगर हमारे यहां पे कोई केस पॉजिटिव डिटेक्ट हो जाता है तो उस केस में हमारे पुलिस प्रशासन की टीम है, हमारे रैपिड रिस्पांस टीम है, सर्विलांस टीम है, हमारे डिसइंफेक्शन के लिए जो लगी हुई टीम है, उस दिन जिस एरिया में इस तरह का केस पाया जाता है और जिस घर में जिसको हम ईपी सेंटर बोलते हैं उसके पास जो 3 किलोमीटर्स का कंटेनमेंट जोन होगा वहाँ पे किस तरह का काम किया जाएगा कौन से टीम के द्वारा, तो इसका हम आज मॉक ड्रिल करा रहे हैं। इसमें सभी प्रकार के हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के वरीय पदाधिकारी और पुलिस। जो शुक्रवार देर रात रांची स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने जांच रिपोर्ट दी तो इसमें सैंपल को कोरोना पॉजिटिव बताया गया। इसके बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सख्ते में आ गए। हालांकि जिला प्रशासन जांच के लिए सैंपल भेजे जाने के पूर्व से ही तैयारी में जुटा था। साथ ही कोडरमा पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार मॉक ड्रिल करते यह बताया जा रहा है कि अगर लोग कोरोना से संक्रमित पाए जाते हैं तो उन्हें किस तरीके से ट्रीट करना है। कोडरमा का होली फैमिली अस्पताल जिसे 100 बेड के आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट किया गया है और स्पेशल COVID-19 हॉस्पिटल बना दिया गया है। इस मरीज को यही लाकर भर्ती करने की तैयारी है। साथ ही प्रशासन जिले में लॉकडाउन को